के बाद रुलाने वाली प्याज अब बिन कटे साबुत ही अपने महंगे तेवरों से लोगों को रुला रही है। सेब से भी महंगी हुई प्याज ने आम आदमी की रसोई से दूरियां बना ली है। मंडी से लोग अब प्याज के दाम पूछकर सेब खरीद रहे हैं, क्योंकि प्याज का दाम करीब 60 से 70 रुपए किलोग्राम है तो वहीं सेब 50 रुपए किलोग्राम में मिल रहा है। आम लोगों का कहना है कि जो लोग एक बार में 2-2 किलो प्याज खरीदते थे वो आज आधा किलो और पाव भर प्याज लेकर ही घर लौट रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्याज खाने से अच्छा है कि हम सेब खाएं, जो फायदा भी करेगा। 4-5 दुकान ट्राई करी है, प्याज 50-60 रुपए किलो है, इससे बढ़िया तो बालकों के सेब ले जाएंगे। आधी एक किलो प्याज जरूरी खाना नहीं है, बालक सेब खाएंगे तो वो सेहत बढ़ेगी, प्याज खाने सेहत नहीं बढ़ेगी। जी मैं पहले 1-2 किलो प्याज ले जाता था, अब आधी किलो एक पाव, इससे ज़्यादा नहीं ले जा पा रहा हूँ। पहले की बात करेंगे, 2-3 महीने की, पहले कितने रेट थे प्याज? पहले 20-25 रुपए किलो का रेट था, अब 50-60-70 रुपए किलो था, यहाँ वो भी बढ़िया नहीं मिल रही। प्याज जी 60 और 70 का रेट है जी, और जहाँ की काफ़ी महंगी हो चुकी है, और पहले 20-25 का रेट था। फिलहाल में खाना तो बहुत दूर की बात, हमने तो ली नहीं है प्याज, और क्या है कि ये तो फलों से भी फ्रूटों से भी महंगी हो चुकी है, इससे बढ़िया तो फल फ्रूट ले लो, वो अच्छा होगा, प्याज खाना तो छोड़ ही दिया जी। 60-70 रुपए किलो आ रही थी प्याज, पहले कितने रुपए किलो मिलती थी आपको? वो 10-15 रुपए किलो मिलती। क्या मानते हैं प्याज पर ही महंगाई बढ़ी है? या तो सेब बढ़िया है, सेब 40 रुपए किलो आ रहा हूँ, या तो सेब खाओ प्याज क्या खाओ। प्याज जी 60 रुपए किलो हो रखी है, पहले 20 रुपए किलो मिलती थी, अब 60 रुपए किलो हो रही है, बहुत महंगाई हो गई है प्याज की। अच्छा, के रेट पूछे तो सेब के रेट कितने होने लगा? सेब के रेट वो 40-50 रुपए किलो, प्याज के रेट 60-70 रुपए किलो था, सेब से भी महंगी हो गई है प्याज। प्याज की फसल पिछले साल से 40 पैसे है, प्याज बरसात की वजह से भी खराब हो रही है, प्याज भी इसलिए असर पड़ा है। कर्नाटक में प्याज बहुत कम में, सटौत में प्याज इस बार बहुत कम किया है, प्याज में इसलिए प्याज में तेज भाव है। थोक में कितने रुपए किलो जा रही है प्याज? थोक में 50 रुपए लो, 50, 48, 52। जैसे ग्राम वालों पे सेल पे 40% हो रही है, जो पहले 10 ले जाता था वो 2-3 ले जाता है, 2-3 वाला इधर ले जाता है, एक दिन ले जाता है, एक दिन नहीं लेता। 40% फर्क पड़ा है? 40% फर्क पड़ा है, तो 50, 60, 40। तो अगर प्याज के रेट पूछे तो प्याज के रेट कितने होंगे लगभग? प्याज के रेट 80-70। तो क्या मानते हैं सेब से महंगी प्याज है? सेब से महंगी प्याज है, इसमें क्या बात है, सेब कहाँ है, सेब कहाँ के प्याज तो बहुत महंगी है, जैसे बढ़िया सेब खा लो ना। 50 और 60 रुपए किलो दो रेट है जी। और प्याज के दाम पूछे तो प्याज के दाम कितने होंगे लगभग? प्याज करीब करीब 80-70 रुपए किलो है जी। 80-70। क्या मानते हैं प्याज सेब से भी महंगी प्याज है? जी है, खाना चाहिए प्याज? बहुत बहुत बेहतर है, सेब भी खाना चाहिए पब्लिक को, सेब नुकसान भी नहीं करता। किलो प्याज है? प्याज जी पहले 50 रुपए किलो बिक रही थी, अब 60 रुपए किलो होने के कारण दुकानदारी कम हो चुकी है, इससे हम पे हमारी बचत को भी थोड़ा फर्क पड़ चुका है, महंगी होने पर ज़्यादा व्यवस्था बन चुकी है। अगर ग्राहक की बात करें तो कितने लगभग आ पा रहे हैं आपको? मतलब 100% दुकानदारी थी तो 70% रह गई है, 30% कम हो गई है। पहले आधा का फर्क पड़ गया, 50% का। पहले कितने रुपए मिलती थी, अब कितने रुपए? पहले 20 थी, पहले 20-25 रुपए किलो थी, अब 50 रुपए किलो है। तो सेल में कस्टमर भी आधी जिस जो पहले 5 किलो लेता है अब 2 किलो ले रहा है, सेल कम हो गई है, बिक्री डाउन हो गई है। वहीं प्याज के थोक विक्रेताओं का कहना है कि बरसात के चलते प्याज की फसल खराब हो गई, जिसके चलते दामों में बढ़ोतरी हुई है। न्यूज़ डेस्क।